पानी का कलर बहुत अलग है अगर मायामी से कंपेयर करें तो। अब टाइम तो किल करना पड़ेगा इसी तरह, क्योंकि भाई गिरगिट घूम रही है यहाँ पे। कैमरा डालते हैं पहले, गिरगिट से दूर भागते हैं फिर दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। सो लेडी एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक आफ्टर 3 मंथ्स। स्की ट्रिप के बाद सर्दियाँ ख़त्म, गर्मियाँ स्टार्ट, और गर्मियाँ स्टार्ट होते ही हम कहाँ गए हैं? पोर्टो रिको बेबी, वी आर राइट हियर एट द बीच। आते ही हमें क्या व्यू मिला है? दैट सनराइज। तो मायामी में भी सनराइज देखा हमने, बहुत सही था वो। और कुछ पहनना है, उतारना है? हो जाएगा आज की डेट में, चले। आर यू रेडी? आर यू सीरियस ब्रो? ओके आई गेस गाड़ी चलानी ही पड़ेगी आज भाई। गाड़ी चलाने में जो सुस्ती आती है ना मेरे को, वो लोग जानते हैं जो मेरी गाड़ी चलाया करते थे, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी नहीं चलाता था इंडिया में। सनस्क्रीन ज़्यादा लगा लिया थोड़ा सा, बट आई थिंक इट्स फाइन। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, 35 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है अभी। और अब हम आ गए हैं अपने होटल से 2 घंटे दूर। इस जगह को कहते हैं रिंकन, बहुत ही सुंदर जगह है। ऊपर मैं मैप डाल दूंगा, जिस 2 घंटे दूर है ये, एंड इट्स ऑन द वेस्ट साइड ऑफ पोर्टो रिको। बहुत छोटा सा आइलैंड है पोर्टो रिको, ज़्यादा जगह है नहीं वहाँ पे, तो आज हम वेस्ट साइड कवर करेंगे। अब एक रेस्टोरेंट ढूंढा साहिल ने, जिसका नाम है एल चापो रेस्टोरेंट। उसके अलावा सब बंद है यहाँ पे इस टाइम। अभी बज रहे हैं 9:30, 9:30 बजे सब कुछ बंद है। मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि शाम को ही आते हैं लोग, बट अब कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे आ गए हम तो थोड़ा खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि नींद भी आने लगी है 2 घंटे गाड़ी चलाने के बाद। अब इसके आगे तो मैं गाड़ी चला नहीं पाऊंगा। दिवाकर विल टेक द लीड फ्रॉम हियर। ऐसा लग रहा है गुड़गांव में घूमने आ गया हूँ मैं। रोडों पे तारे लगी हुए हैं, खंभे लगे हुए हैं, लड़के कहीं से भी काट रहे हैं गाड़ियाँ, इधर उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं। आगे जाके कह रहा है एक चर्च है, उसके सामने एक मार्केट टाइप से रखी है, वहाँ पे सब कुछ 7 बजे खुल जाता है। कह रहा मैं अपना रेस्टोरेंट 5:30 बजे खोलता हूँ। ये है हमारे लड़के, जीन्स, जूते, शर्ट, ऑक्सफोर्ड शर्ट पहनी हुई है इतनी मोटी, ऊपर से कैप, और ऊपर से खाना खा लिया है, और अब कह रहे कि मैं थक गया हूँ। कर लिए कपड़े चेंज मौसम के हिसाब से, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है, इट्स लाइक 32 डिग्रीज राइट नाउ, और बीच का पानी बहुत पसंद आ गया मेरे को तो। काफी शांति भरी बीच है साहिल, हाउ आर यू लाइकिंग इट? अब तो परेशान नहीं है बीच, बट स्टिल स्लीपी। तो भाई लोगों ने कैंपिंग कर रखी है बीच पे, अपना ट्रेलर लेके आ रखे और वहीं बैठे हैं। निकलने वाले थे बीच से, बट पानी से ना बहुत ज्यादा प्यार है, और पानी बहुत अच्छा लग रहा था। एक बार तो होगी अपनी डुबकी, डिसाइड किया मैंने हर बीच पे जाके एक बार पानी में जरूर घुसना है। जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है उसका नाम है क्रैश बोट बीच, काफी लोगों ने हमें बता दिया उसके बारे में। यहाँ से लगेंगे 15-20 मिनट, लेट्स सी, एंड देन वी आर वेटिंग फॉर द सन टू गो डाउन, एंड देन वी गोइंग टू सेन वन। भाई बहुत सही मौसम हो रहा है। जिस जगह पे हम खाना खाने रुके थे ना, उन अंकल ने हमें एक बहुत अच्छी जगह बताई, जो कि थोड़ा सा दूर है रिंकन से, बट इस जगह का नाम है क्रैश बोट बीच। बहुत ही बढ़िया माहौल है यहाँ पे, आई थिंक वी शुड हैव कम हियर फर्स्ट। बट दिवाकर, हाउ आर यू लाइकिंग दिस वन? बहुत बढ़िया भाई। भाई बहुत फ्रूटी ड्रिंक बनाई है आंटी ने, आंटी को पैसे दे भाई ज्यादा। अमेजिंग है भाई ये, इसके अंदर ना 2-3 चीजें मिली हुई हैं,
एक तो पाइनएप्पल है, थोड़ा सा दूध है, थोड़ी क्रीम है एंड वन मोर लाइक लाइम और समथिंग। ब्यूटीफुल ब्रो। I've been to many beaches in US in last 3-4 years, but I think this has the cleanest water as it gets. और साहिल ना थोड़ा नाराज सा हो गया बिकॉज साहिल पानी में तो जा नहीं रहा है। एंड कहाँ है साहिल? अरे साहिल के पास गाड़ी की चाबी थी क्या? ओ दिवाकर ने नाराज कर दिया भाई साहिल को। यहाँ है न्यूयॉर्क से पोर्टो रिको ये करने, चलो देखो इनकी ये हालात हैं दिवाकर। व्हाट कैन वी डू? इसलिए बोला अटका रूसा, देख लो। मेरे को बदनाम करते हैं लोग। आई एम द मोस्ट पीसफुल पर्सन एवर बोर्न इन द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लैनेट। तो एक चीज़ बहुत सही हो रही है पोर्टो रिको में, सब लोगों को लग रहा है मैं हिस्पैनिक हूँ। मैं किसी भी गैस स्टेशन पे जा रहा हूँ, मैं एक पानी की बॉटल लेने जा रहा हूँ, मेरे से सिर्फ स्पेनिश में बात की जा रही है। अभी बहुत ही एक फ़नी इंसिडेंट हो गया। आई वॉन्टेड टू यूज़ द रेस्ट रूम। आंटी ने 5 मिनट लगा दिए मेरे को ये बताने में कि रेस्ट रूम कहाँ पे है उनका। और आंटी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि मेरे को नहीं आती स्पेनिश, मेरी गलती है। फिर मैंने आंटी को बताया मैं इंडियन हूँ, देखो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है स्पेनिश, ऑल आई नो इज इंग्लिश एंड देन हिंदी, दैट्स इट। बट इट्स गेटिंग फनियर देन एवर। अगली बार पोर्टो रिको आएंगे भाई बिल्कुल स्पेनिश सीख के आएंगे, एटलीस्ट बेसिक क्लास 3 लेवल तक। क्यों दिवाकर? बिल्कुल भाई, और अगर कुछ नहीं आता तो बस बोल दो नो एंटेंडो। क्या होता है? इज गॉट आई डोंट अंडरस्टैंड। नो एंटेंडो, ओके नेक्स्ट टाइम। थके हारे वी आर बैक टू आवर होटल। तो कम से कम 2 घंटे का रेस्ट चाहिए शाम को खाना खाने से पहले। साहिल तो जाके मेरे को लगता है रूम में सो भी गया। अभी हम गाड़ी पार्किंग करके आए हैं एंड विल टेक अ क्विक शावर एंड देन रेस्ट फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स, देन वी हेड आउट अगेन। सोचा था 2 घंटे सोएंगे बट अभी भी सो रहे हैं लड़के, 2.5 घंटे से सो रहे हैं हम। जुकाम हो गया मेरे को, दवाई ली मैंने अभी, बट दैट विल बी फाइन। लेकिन अब हो गया खाने का टाइम, 8 बज गए शाम के। लेट मी फाइंड अ प्लेस टू ईट एंड देन आई विल कॉल मिस्टर दिवी सक्सेना आल्सो। नीचे आ जल्दी भाई, टाइम नहीं है। हां भाई मैं आ रहा हूं, 20 मिनट में आ रहा हूं। लगनेदार को आएगा बात करना, हालात लगने वाले लड़कों के हिसाब से लड़कों ने आज मेहनत करी है ना, वहां पे हो नहीं पाएगा। इतने मेरा खाना आ रहा है, थोड़ी नॉलेज शेयरिंग कर लेते हैं। तो पोर्टो रिको का हिसाब ये है कि पोर्टो रिको एक कंट्री है वैसे तो, बट इट्स अ US कंट्रोल्ड टेरिटरी, मीनिंग इसका अपना फ्लैग है, अपनी गवर्नमेंट, सब बढ़िया चलता है, लेकिन यहाँ पे भी डॉलर चलता है और US गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है सिंस लाइक 140 और समथिंग ईयर्स। यहाँ पर जो कम्युनिटी है मेनली हिस्पैनिक और एफ्रो अमेरिकन है। अभी जहाँ पर हमारा होटल है उस जगह को कहते हैं कोंडाडो, और यहाँ से ओल्ड सेन हुआन जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, वहाँ पे शायद हम कल परसों जाएंगे, बट इट्स ऑल अबाउट टूरिस्टी प्लेस। तो वहाँ पे दोपहर को जाने में फ़ायदा है। अब एक चीज़ जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है पर्सनली वो ये है कि लोग अपना कल्चर बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, एंड मैं इसको मायावी से कंपेयर करके देखूँ तो थोड़ा सा चीप है मेरे को ऐसा लग रहा है अभी तक जो हमने खाना वगैरह खाया, इट्स सीम्स वेरी चीप। लेट्स सी आगे क्या होता है, बट अच्छी वाइब है यहाँ पे। एक काम बढ़िया करता है साहिल, खाने की जगह ढूंढते हैं बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया टाको दे दो। साहिल ने ढूंढे हैं, कितने घंटे लगे साहिल को जगह ढूंढने में? 2 मिनट। गुड गुड फूड, बट आई थिंक अगर अभी हमने ब्लॉग ख़त्म नहीं किया तो हम इतने थके हुए हैं ना, अभी हम होटल ही जा रहे हैं, मेरे को लगता है हम बिना ब्लॉग खत्म करे सो जाएंगे। आई होप यू गाइज लाइक इट। इफ यू गाइज लाइक इट ब्लॉग प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू गाइज अंटिल नेक्स्ट टाइम, ओवर एंड आउट। La mamá, la mamá, la mamá, la mamá.